ओम शांति, DCG 3557, क्लैरिफिकेशन ऑफ द नाइट क्लास डेटेड 14/9/1968, क्लास क्लैरिफाइड ऑन 22/2021। आज का रात्रि क्लास है 14/9/1968। टुडेज नाइट क्लास इज डेटेड 14/9/1968। अधूरी वाणी है, द वाणी इज इनकम्प्लीट। बोला तो जरूर खुशी चढ़ती होगी। इट वॉज सेड सर्टेनली हैप्पीनेस वुड बी इंक्रीजिंग। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ने की ही है। द हैप्पीनेस हैज टू इंक्रीज डे बाय डे। तहां तक के वो खुशी अविनाशी हो जाएगी। इट वुड इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट इट वुड बिकम इम्पेरिशेबल। अभी तो माया खुशी को तोड़ती रहती है। नाउ माया कीप्स इंटरप्टिंग द हैप्पीनेस। अविनाशी खुशी हो नहीं पाती है। द हैप्पीनेस डजंट स्टे इम्पेरिशेबल। और बाप की याद बार बार बुला देती है। शी मेक्स अस फॉरगेट द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर रिपीटेडली। तुम याद करते हो खुशी बढ़ती है बाप को याद करने से। You remember, the happiness increases while remembering the father. जितना बाप को याद करेंगे, the more you remember the father. अनुभव कहता है, विवेक कहता है, the experience says, the intelligence says, बुद्धि कहती है, ये कायदा कहता है कि ईश्वरीय ला कहता है कि जितना याद करेंगे बाप को और जितना बहुत प्यार से याद करेंगे, बहुत प्रेम से और ज्ञान के सहित याद करेंगे तो खुशी का पारा जरूर चढ़ेगा। द इंटेलेक्ट सेज, द रूल सेज, द डिवाइन लॉ सेज, द मोर यू रिमेम्बर द फादर, द मोर यू रिमेम्बर हिम वेरी लविंगली, एंड इफ यू रिमेम्बर हिम ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, द मर्करी ऑफ हैप्पीनेस विल सर्टेनली राइज। अगर कोई की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इवन इफ समवन इज नॉट फीलिंग वेल, तो भी बाप की याद में ही रहना अच्छा है। स्टिल इट इज गुड टू स्टे ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर। ये हेल्दी तो बन नहीं है ना। इट इज बिकॉज यू हैव टू बिकम हेल्दी, हैवंट यू? याद से हेल्दी बनेंगे। यू विल बिकम हेल्दी ओनली थ्रू द रिमेम्बरेंस। फॉरएवर हेल्दी बनेंगे। यू विल बिकम फॉरएवर हेल्दी। तो वो देवताएं भी तो याद करने से ही हेल्दी बनते हैं। दोस डीटीज आल्सो बिकम हेल्दी ओनली बाय बीइंग इन रिमेम्बरेंस। वो आत्मिक स्थिति में रहती है, आत्मा को याद करती है। They stay in the soul conscious stage and remember the soul. और इस समय संगम युग में तो याद ही सबसे मुख्य है। And at this time, in the confluence age, the remembrance itself is the most important. और याद करने से ही ये बेड़ा पार होता है। This boat goes across only through remembrance. बेड़ा तो समझा है ना? You have understood about the boat, haven't you? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शंकर चाप जहाज। इट इज ऑल्सो सेड इन द पाथ ऑफ भक्ति शंकर चाप जहाज। शंकर्स बॉडी इज लाइक अ शिप। वो जहाज बड़ा बेड़ा कैसे है? वेल हाउ इज दैट शिप अ बिग बोट? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवंत उसमें प्रवेश करते हैं। इट इज बिकॉज द सुप्रीम सोल फादर The highest of the high God enters in. सतोप्रदान में चले जाते हैं ना? You go in the सतोप्रदान stage, don't you? या शांति धाम या सुख धाम। You go either to the abode of peace or to the abode of happiness. और सतोप्रदान तो हमेशा सुख धाम को कहा जाता है। And the abode of happiness is always said to be सतोप्रदान. क्योंकि वहां सत्व गुण की प्रधानता रहती है सतयुग में। इट इज बिकॉज
There is the dominance of the quality of sattva in the golden age. शांति धाम में तो शांति ही शांति, प्रधानता की बात ही नहीं। In the abode of peace, there is peace and only peace. There is no question of dominance. और सत्युग तो है सुखधाम। And the golden age is the abode of happiness. उसको तो हमेशा सुखधाम कहा जाता है। It is always called the abode of happiness. क्योंकि वहां शांति भी कहेंगे। It is because it will be said that there is also peace there. तो वहां सुख प्रधान है, तो दुख की दुनिया में दुख प्रधान है। So there, the happiness is dominant, and the sorrow is dominant in the world of sorrow. तो ये दुनिया ही ऐसी है कि कभी दुख की प्रधानता, तो कभी सुख की प्रधानता। So, this world itself is such that sometimes there is the dominance of sorrow and sometimes there is the dominance of happiness. और तुमको तो याद है कि वो बाप का घर तो है ही शांति धाम। And you do remember that the home of the father is anyway the abode of peace. शांति ही शांति, न दुख न सुख। There is peace and only peace. There is neither sorrow nor happiness. So, तो जैसा तुम बच्चों को याद है। You children remember the happiness. दुनिया वालों को तो इस बात का पता ही नहीं है। The worldly people don't know this at all. ऐसा और कोई मनुष्य को याद नहीं हो सकता है जैसा तुम बच्चों को याद है। No other human being will remember like you children remember. क्योंकि तुम बच्चों को तो बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज सारी मिल गई। It is because you children have obtained the entire unlimited knowledge from the unlimited father. और कहें अगर रचता ने दी। If it is said that the creator gave it, तो वो रचता भी जरूर क्या देंगे। What will that creator also give? वो नॉलेज देंगे, सारे झाड़ की नॉलेज देंगे। He will give the knowledge of the entire tree. झाड़ का रचयिता है ना? He is the creator of the tree, isn't he? बीज है, सृष्टि रूपी वृक्ष का। He is the seed of the tree-like world. इसलिए वो रचयिता भी। This is why he is the creator as well. तो ये तुम बच्चों ने जाना क्योंकि वो बीज रूप है। So, you children have recognized him as he is the seed form. साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। He is the seed form of the corporeal human world. मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पति भी है, बाप भी है। He is the husband as well as the father of the tree-like human world. सत्य है, चैतन्य है। He is true and living. सत्य कैसे है? How is he true? जो सत्य है वो तो सदाकाल सत्य है। The one who is true is forever true. वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी लोप ही नहीं हो सकता। He can never become extinct from the stage-like world. और चैतन्य भी। He is also living. क्योंकि आत्मा तो है ना सदाकाल। It is because he is a soul forever, isn't he? और आत्मा आनंद का सागर है, अकूट आनंद। And the soul is the ocean of bliss, of immense joy. तो तुमको आनंद भी मिलता है। So you also receive joy. क्योंकि तुम बहुत ऊंचे पद पाते हो। It is because you receive a very high position. जितना ऊंच पद है उतना आनंद में रहते हो। The higher the position you attain is, you remain in joy to that extent. इतनी तुमको याद की ताकत मिलती है। You receive so much power of remembrance. उस ताकत को योग ऊर्जा कहा जाता है। That power is called the power of remembrance.
गाया तो जाता ही है कि रिलीजन इज माइट। इट इज एनीवे सॉन्ग रिलीजन इज माइट। कौन सा रिलीजन? विच रिलीजन? ऐसे तो नंबर वार सभी रिलीजन। एज सच इट इज अबाउट नंबर वाइज ऑल द रिलीजन्स। जो भी धर्म पिताए आते हैं, जो भी धर्म स्थापन करते हैं, उनके रिलीजन में नंबर वार माइट तो होती है। All the religious fathers who come and establish their respective religions, there is number wise might in their religion. लेकिन अव्वल नंबर रिलीजन देवी देवता सनातन धर्म, उसमें अव्वल नंबर की माइट। But the number one religion, the ancient deity religion, has number one might in it. कहाँ का? भारत का। इट बिलोंग्स टू विच प्लेस? इट बिलोंग्स टू भारत। ऐसी माइट मिलती है भारत को कि आधा कल्प के लिए कोई भी इस पर जीत नहीं पा सकते, कोई भी धर्म वाले, कोई धर्म पिता। भारत रिसीव सच माइट दैट नो वन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और एनी रिलीजियस फादर कैन गेन विक्ट्री ओवर इट फॉर हाफ अ साइकिल। क्योंकि पीछे बाप समझाते हैं। इट इज बिकॉज द फादर एक्सप्लेन्स लेटर। बाप ही समझाते हैं ना कि आधा कल्प के लिए कोई भी धर्म वाले जीत नहीं पहन सकते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के ऊपर। द फादर हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स डजंट ही फॉर हाफ अ साइकिल दोज बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन डोंट गेन विक्ट्री ओवर द एंशिएंट डीटी रिलीजन। भले तो आत्मा रूपी बच्चों के ऊपर और कोई भी धर्म वाले जीत नहीं पहनते। ऑल्दो नो वन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन गेन्स विक्ट्री ओवर यू द सोल लाइक चिल्ड्रन। परंतु ये रावण जीत पहन लेते। दिस रावण गेन्स विक्ट्री ओवर यू। कब? When? जब तुम आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाते हो। When you come down from the soul conscious stage. यही बात बच्चों को याद रहे। Children should remember this very thing. कि हार कैसे होती है, जीत कैसे होती है। How there is defeat and how there is victory. ये है ही हार जीत का खेल। This is anyway the game of defeat and victory. देवान में रहने से हार होती है। देयर इज डिफीट बाय बीइंग इन बॉडी कॉन्शियसनेस। जब तुम अपन को देह समझते हो। व्हेन यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी अ बॉडी। आत्मिक स्थिति में रहने से जीत होती है। देयर इज विक्ट्री बाय बीइंग इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। सो भी आधा कल्प के लिए जीत, पूरा दो युग। That too, you gain victory for half a cycle, for two complete ages. सारा चक्कर ज्ञान बच्चों की बुद्धि में आया हुआ है। The entire knowledge of the cycle has come in the intellect of the children. वेद के बाप को अभी मिलने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। After meeting the unlimited father, The entire knowledge comes in the intellect. क्योंकि बाप आते हैं तो मिलन तो होता ही है ना। It is because when the father comes, the meeting certainly takes place, doesn't it? और बाप से तुम्हारा जितना मिलन मेला होता है आत्मिक स्थिति में रहकर, तो खुशी भी बहुत होती है। And the more you have a fear of meeting with the father being in the soul conscious stage, the more the happiness is experienced. बाकी ये है कि ये जो कुछ भी तबीयत खराब होती है या क्या भी होता है, तो ये सभी है ही रावण के राज्य में। As for the rest, if someone becomes ill or if something happens, all this anyway happens in the kingdom of Ravan. रावण को तो दिखाई जाते हैं अनेक मुख। रावण इज शोन विद मेनी फेसेस।
अनेक मतें देने वाला है। द वन हु गिव्स मेनी डायरेक्शंस। तो तुम उन मतों के चक्कर में आ जाते हो, सो यू कम इन द ग्रिप ऑफ दोज डायरेक्शंस। प्रभावों से प्रभावित हो जाते हो। यू आर अफेक्टेड बाय इट्स इन्फ्लुएंस। तो तबीयत वगैरह भी खराब होती है। सो द हेल्थ ऑल्सो ड्रॉप्स। ये सब खिचखिच होती रहती है। देर आर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ये सारी बातें अभी तुमको मालूम है। नाउ यू नो ऑल दीज टॉपिक्स। रावण राज्य में कितनी खिटखिट। देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द किंगडम ऑफ रावण। और राम राज्य में कोई खिटखिट नहीं। एंड देर इज नो प्रॉब्लम्स इन द किंगडम ऑफ राम। कोई तबीयत खराब नहीं, कोई बीमारी आदि नहीं। देर इज नो इलनेस, नो डिजीजेस एट ऑल। कि जानते हो कि रावण के राज्य के ऊपर तो हम जीत पहन लेंगे। यू नो वी विल गेन विक्ट्री ओवर द किंगडम ऑफ रावण। ये तो श्योर है। दिस इज श्योर। जीत पहनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गेनिंग विक्ट्री इज अवर बर्थ राइट। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। विक्ट्री इज योर बर्थ राइट। बाकी थोड़ा टाइम है। As for the rest, there is little time left. ऐसे कभी कभी भी तुम कहते हो ना। You say sometimes, don't you? वो डालते हैं देखने के लिए, उसमें भी कोई ऐसी नई चीज सामने लगनी चाहिए। They put it up for the display. Even in it, there must be something new. तुम जानते हो कि अभी सेकंड में बेहद के बाप के द्वारा बेहद की विश्व की बादशाही मिलती है। यू नो नाउ द एम्परशिप ऑफ द अनलिमिटेड वर्ल्ड इज अटेन्ड फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर ऑफ द वर्ल्ड इन अ सेकंड। तो ये बात भी तुम समझा सकते हो। यू कैन एक्सप्लेन दिस एज वेल। और ये बात तुम लिख भी सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो राइट। एक सेकंड में तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। यू कैन अटेन द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड इन अ सेकंड। ये बात आए करके समझो। कम एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है। इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। कि राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। किंग जनक अटेन लिबरेशन लाइफ इन अ सेकंड। तो जीवन मुक्ति वो विश्व की बादशाही तो है ही देवताओं को। हिंसा करने वाले असुरों को तो नहीं है। सो दैट लिबरेशन इन लाइफ द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड इज एनीवे अटेन्ड बाय द डीटीज। द डिमन्स हु यूज वायलेंस डोंट अटेन इट। सिर्फ देवताओं को मिलती है। इट इज अटेन्ड ओनली बाय द डीटीज। और किसको है ही नहीं। नो वन एल्स हैज इट। गायन भी है विश्वनाथ, देवताओं में बड़ा था बड़ा देवता महादेव। देयर इज आल्सो द प्लेस विश्वनाथ द ग्रेटेस्ट डीटी अमंग द डीटीज महादेव। तो भले थोड़ा ही शॉर्ट में लिख देगा। सो यू मे राइट अ लिटिल इन शॉर्ट। और एक ही फिल्म बनेगा। एंड ओनली वन फिल्म विल बी मेड। और फिल्म का वो क्या, किसी ने कहा स्लाइड। एंड ऑफ दैट फिल्म व्हाट इज दैट, समवन सेड स्लाइड। हाँ स्लाइड बनेगा कि आए करके समझो। यस अ स्लाइड विल बी प्रिपेयर्ड, कम एंड अंडरस्टैंड। बहनो भाइयो आए करके समझो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कम एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सन्मुख आए करके समझो। कम एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस बीइंग फेस टू फेस। तुमको एक सेकंड में विश्व की बात सही मिल सकती है। समझ जाएंगे तो। इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन अटेन द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड इन अ सेकंड।
भले वो इंग्लिश में भी लिखो और हिंदी में भी लिख सकते हो। यू कैन राइट इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. तो वो झट पढ़ लेंगे, दे विल रीड इट इमीडिएटली. एड्रेस तो पढ़ता ही है, एड्रेस इज एनी वे रिटन ऑन इट. और एड्रेस हमेशा सेंटर के ऊपर, दो सेंटर हैं तो दो की, या तीन हैं तो तीन की भी डाल देने से अच्छा है। एंड ऑन द सेंटर द एड्रेस शुड ऑलवेज बी. इफ देर आर टू सेंटर्स और इफ देर आर थ्री, इट इज गुड टू राइट ऑल द थ्री एड्रेसेस. एक शहर में कई सेंटर भी होते हैं ना, देर आर मेनी सेंटर्स इन अ सिटी, आर इन देर. फिर लिखत भले कम हो देन इट इज ऑल राइट इफ देर इज लेस टेक्स्ट ऑन इट. परंतु सेंटर्स जहां भी हों, मुख्य सेंटर दो तीन डाल देना चाहिए। बट वेर एवर देर आर सेंटर्स यू शुड राइट द एड्रेसेस ऑफ टू और थ्री मेन सेंटर्स. कोई बड़ा शहर है, बहुत सेंटर्स हैं, तो सब तो नहीं डाल सकते एड्रेसेस। इफ इट इज अ बिग सिटी एंड देर आर मेनी सेंटर्स इन इट, ऑल द एड्रेसेस कैन बी डिस्प्लेड ऑन इट. तो दो तीन का एड्रेस डाल देना चाहिए। सो यू शुड गिव द एड्रेसेस ऑफ टू टू थ्री सेंटर्स. तो वो वंडर खाएंगे ना बच्चे दे विल वंडर फॉर द चिल्ड्रन. कि भाई एक सेकंड में विश्व की बात सही। ब्रदर द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड इज गिवन इन अ सेकेंड. हम विश्व की बात सही तो ये विश्व के मालिक के बगैर तो कोई नहीं दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड नो वन एल्स कैन गिव द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड. अरे दुनिया में भी बाप मल्टी मिलियनायर होता है तो बच्चों को मल्टी मिलियन की बात सही देता है। अरे इवन इन द वर्ल्ड इफ द फादर इज अ मल्टी मिलियनेयर ही गिव्स द एम्परशिप ऑफ द मल्टी मिलियंस टू द चिल्ड्रन. बड़ा साहूकार होगा तो बड़ी साहूकारी मिलेगी। इफ इज अ बिग वेल्दी मैन द चिल्ड्रन विल गेट द ग्रेट वेल्थ. अब ये तो बेहद का बाप है, नाउ दिस इज द अनलिमिटेड फादर. वो धर्म पिताएं उनको बेहद का बाप नहीं कहेंगे। दोज रिलीजियस फादर्स वुडंट बी कॉल्ड द अनलिमिटेड फादर. कोई भी धर्म पिता नहीं होता है जो सारी दुनिया का 500-700 करोड़ का बादशाह बने या कोई को बना सके। देर इज नो रिलीजियस फादर हु कैन बिकम द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द 5 to 7 billion सोल्स और मेक एनी वन एल्स द एम्परर ऑफ इट. ये तो बेहद का बाप है, दिस इज सर्टनली द अनलिमिटेड फादर. तो इस बेहद के बाप बगैर तो कोई दे ही नहीं सकता है विश्व की बात सही। सो अपार्ट फ्रॉम दिस अनलिमिटेड फादर नो वन कैन गिव द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड. और हम जास्ती क्या लिखेंगे, एंड वॉट मोर विल बी राइट. और ये इतना अक्षर तो बहुत ही बढ़ जाते हैं, देर विल बी टू मेनी वर्ड्स ऑन इट. इसलिए ये बड़ी टेम्परेशन है विश्व की बात सही। दिस इज वाई दिस इज अ बिग टेम्पटेशन द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड. बड़ी टेम्पटेशन है ना, मिलती है ना। दिस इज अ बिग टेम्पटेशन दैट यू गेट इज इंट इट. तब तो विश्वनाथ गाया हुआ है ना, दैट इज वाई विश्वनाथ इज प्लेस्ड इज इंट ही. इस शास्त्रों में जो भी नाम पड़े हुए हैं काम के आधार पर पड़े हुए हैं ना, विश्वनाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ। All the names that have been mentioned in the scriptures are based on the actions that they performed, aren't they? Vishwanath, Jagannath, and Srinath. तो कोई भी आकर के पूछे So if someone comes and asks, भाई ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड में, विश्व की बात सही। Brother, what is written on the board? The emperorship of the world. तो तुम बोलो, So tell them. इन्हें लक्ष्मी नारायण को
जिनकी घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है, इनको विश्व की बादशाही मिली थी ना। दिस लक्ष्मी नारायण हू स्टोरीज आर नरेटेड इन एवरी हाउस एज अ स्टोरी ऑफ सत्य नारायण दे हैड अटेंड द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड हैडंट दे। देखो ना, तो इनको मिली थी तो तुमको नहीं मिल सकती है क्या? लुक इफ दे कैन अटेन इट कैंट यू। हाँ, ये कहेंगे कि जन्म लेते लेते अंतिम 84वें जन्म में जब ये आते हैं तो इनको भी बादशाही नहीं रहती रावण राज्य में। यस इट विल बी सेड दैट आफ्टर बीइंग बॉर्न अगेन एंड अगेन व्हेन दे कम इन द लास्ट 84th बर्थ दे टू डोंट हैव द एम्पररशिप विद देम इन द किंगडम ऑफ रावण। तो जो बादशाही नहीं थी वो सब मिलनी है। सो द एम्परशिप दैट यू डिडंट हैव ऑल ऑफ इट हैज टू बी अटेन्ड हियर। आगे जन्म में विश्व के मालिक नहीं थे, यू वेरिंट द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इन द प्रीवियस बर्थ। अर्थात आखिरी 84वें जन्म में, अंतिम जन्म में विश्व के मालिक नहीं थे। मीनिंग इन द लास्ट 84th बर्थ यू वेरिंट द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर बेहद के बाप से, Then, from the unlimited father, किसके बेहद के बाप? the unlimited father of whom? आत्माओं के बाप, निराकारी आत्माओं के निराकारी बाप से। The father of the souls, the incorporeal father of the incorporeal souls. विश्व की बादशाही ली है, They have taken the emperorship of the world. कैसे ली है? How did they take it? विश्व की बादशाही की युक्ति बताई है आत्माओं के बाप ने। The father of the souls has mentioned the method of taking the emperorship of the world. तो ये अनुभव से कहते हैं, So he says with experience. कहते हैं ना बच्चे, He says, doesn't he? Children. कि इसने विश्व की बादशाही ली है। This one has taken the emperorship of the world. तो जब इसने ली है तो तुमको भी कहते हैं। So, when this one has taken it, he tells you to take it too. एक ने ली है तो हम बच्चे भी ले सकते हैं। When one took it, we children can also take it. ले सकते हैं और ले रहे हैं। We can take it and we are taking it. कैसे ले रहे हैं? How are we taking it? ऐसे Is it like this? नहीं, No. हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। We are also making purushart. क्या What? देह के अर्थ नहीं कर रहे हैं कि भाई मस्ती से आराम से सो जाओ? We are not doing for the sake of the body, so that you say, brother, sleep comfortably. ये देह के अर्थ हुआ कि आत्मा के अर्थ हुआ? Is it for the sake of the body or the soul? देह के अर्थ हुआ ना, तो हम भी पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने का। It is for the sake of the body, isn't it? So, we too are making purushart to attain the emperorship of the world. अब जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना उनको अनुभव होता है। The more someone makes purushart, he experiences the emperorship to that extent. अच्छा, अच्छा। चौदह नौ 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। सेकेंड पेज ऑफ द नाइट क्लास डेटेड 14/9/1968। तो ये वास्तव में इशारे की बातें हैं। Actually, these are the points of indication. सेकंड माना ही इशारा, A second itself means indication. परंतु माया गुमराह कर देती है। But Maya misleads us.
अगर माया गुमराह न करे तो है तो बहुत सहज, इफ माया डजंट मिसलीड अस इट इज वेरी इजी बेहद का बाप मिला है वी हैव फाउंड द अनलिमिटेड फादर तो बेहद की बादशाही जरूर मिलेगी। सो वी विल सर्टेनली रिसीव द अनलिमिटेड एम्परशिप बादशाही तो मिलेगी, यू विल सर्टेनली अटेन द एम्परशिप परंतु फिर ये लगा है ना याद की यात्रा की बात, बट देर इज द टॉपिक ऑफ द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस इज इन देर क्योंकि याद की यात्रा के बगैर विकर्म तो विनाश नहीं होंगे। इट इज बिकॉज द सिंस वोंट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस किसकी याद है? हूज रिमेम्बरेंस उसी की याद है। इट इज अबाउट ओनली हिज रिमेम्बरेंस जिसकी आत्मा में कभी भी न विकर्म बनते हैं न सुकर्म बनते हैं, द सोल विच नीदर एक्यूमुलेट्स विकर्म नॉर सुकर्म इसलिए उसकी याद से चाहे विकर्म हो या पुण्य कर्म हो सब खलास। दिस इज वाई थ्रू हिज रिमेम्बरेंस वेदर दे आर विकर्म और नोबल डीड्स ऑल आर डिस्ट्रॉयड तब कहते हैं आत्मा पवित्र बन गई, देन इट इज सेड दैट द सोल हैज बिकम प्योर आत्मा पवित्र बन जाए तो और क्या चाहिए? इफ द सोल बिकम्स प्योर वॉट एल्स इज नीडेड कोई भी तुम्हारे सामने आए इफ एनी वन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू तो तुम समझाए सकते यू हो कैन एक्सप्लेन कि भाई विश्व की बादशाही तो बेहद का बाप देते हैं। ब्रदर द अनलिमिटेड फादर गिव्स द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड और बाप ही आकर के पवित्र बनाते हैं, जरूर बनाते हैं। एंड द फादर हिमसेल्फ कम्स एंड मेक्स अस प्योर ही सर्टनली मेक्स अस इनटू दैट क्यों? व्हाई क्योंकि विश्व की बादशाही कोई अपवित्र आत्मा नहीं ले सकती है। इट इज बिकॉज नो इम्प्योर सोल कैन टेक द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड विश्व की बादशाही तो पवित्र आत्मा ही ले सकती है। ओनली अ प्योर सोल कैन टेक द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड और ये विश्व की बादशाही ये तो बहुत अच्छी चीज है, एंड दिस एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड इज अ वेरी नाइस थिंग तो पवित्रता भी तो अच्छी बात है ना, अच्छी चीज है। प्योरिटी इज ऑल्सो अ गुड थिंग इजंट इट इट इज अ गुड थिंग इस बात का तो तुम बच्चों को अनुभव है ना, यू चिल्ड्रन हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस हैवंट यू ये जो बैज तुम बच्चों को मिले हुए हैं द बैजेस दैट आर अवेलेबल टू यू चिल्ड्रन इस बैज से तुम बहुत सर्विस कर सकते हो यू कैन डू अ लॉट ऑफ सर्विस थ्रू दिस बैज और ये बैज तुम्हारे जो हैं वो लाखों की तादाद में, एंड लैक्स ऑफ दीज बैजेस ऑफ योर्स अरे लाखों तो क्या बल्कि करोड़ों की तादाद में मांगेंगे। नॉट जस्ट लैक्स बट क्रोर्स ऑफ बैजेस विल बी इन डिमांड और छपेंगे, एंड दे विल बी मेड ओम शांति। ओम शांति